आइए इंडी न्यूज में आज हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की अब तक की 10 बड़ी खबरें। नंबर एक, भारत के मिशन चंद्रयान 3 को आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया गया। चंद्रयान का प्रक्षेपण सफल रहा। इसे दिन में 2:35 पर लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। भारत का ये तीसरा चंद्रयान मिशन है। नंबर दो, राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान आज कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने बातचीत की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। राजस्थान में जारी सियासी सरगर्मियों के बीच दोनों की मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इस दौरान वहां कांग्रेस और बीजेपी के विधायक भी थे। नंबर तीन, भारत के उभरते बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट डेब्यू में ही तहलका मचा दिया। उन्होंने इस मामले में सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग को भी पीछे छोड़ दिया। यशस्वी 350 गेंदों में 143 रन बनाकर नाबाद है। इससे पहले ये कारनामा रोहित शर्मा ने 2013 में किया था। नंबर चार, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को दोबारा वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। उन्हें रामपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा विभाग ने मोहम्मद आजम खान को झटका देते हुए वाई श्रेणी की सुरक्षा को हटा दिया था। नंबर पाँच, मुजफ्फरनगर में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक घटना हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई, जहां तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक पर कांवड़ ले जा रहे 35 वर्षीय राजकुमार और दीपक की मौत हो गई। नंबर छह, दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज बाढ़ से राजधानी के बिगड़े हालात के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ आईटीओ बैराज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहां काम हो रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हालात पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। नंबर सात, दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री को निर्धारित समय के लिए रोक दिया गया है। माना जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री ज्यादा समय तक रुकी रही तो आवश्यक सामानों के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने बाढ़ के मद्देनजर ये कदम उठाया है। नंबर आठ, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई बगावत के बाद से मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध आज खत्म हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विभागों का बंटवारा कर दिया। अजीत पवार के हिस्से में वित्त एवं नियोजन मंत्रालय आया है, जबकि दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता मंत्री बनाया गया है। नंबर 9, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में एलजेपी के नेता चिराग पासवान की लॉटरी भी खुल सकती है। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने वाला है, जिसमें कुछ जाने पहचाने चेहरों को जगह मिलने की उम्मीद है। चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं। नंबर 10, बिहार विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी के सदस्य लगातार शोरगुल करते रहे। बीजेपी ने पटना में हुए लाठीचार्ज और अपने एक नेता की मौत का मामला उठाया। विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांति की अपील की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें मार्शल की मदद से बाहर भेज दिया गया।